इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको दे दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव की तबीयत कल देर रात अचानक बिगड़ गई। तेज प्रताप यादव अचानक बेहोश होकर गिर गए और आनन फानन में जैसे ही ये खबर उनके छोटे भाई तेजस्वी तक पहुंची, तेजस्वी डॉक्टरों की टीम लेकर तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात की ये तस्वीरें हैं जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खबर मिली कि उनके भाई तेज प्रताप यादव अचानक बेहोश हो गए हैं, बीमार हैं, गंभीर हालत हो गई है। तब आनन फानन में डॉक्टरों की टीम लेकर पहुंच गए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आरजेडी के कई और भी नेता हैं जो पहुंचे स्पॉट पर, तस्वीरें देखिए। आरजेडी के कई कद्दावर नेता पहुंचे, विनोद श्रीवास्तव पहुंचे जो लालू प्रसाद यादव के पहले पीए थे, अब आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तेजस्वी यादव भी पहुंचे, डॉक्टरों की टीम भी पहुंची। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने हाल ही में जो कोरोना की वैक्सीन ली थी उसके वजह से तेज प्रताप यादव को अचानक वीकनेस भी फील होने लगा। साथ ही तेज प्रताप यादव की तबीयत फिलहाल कैसी है आपको सबसे पहले सुनवाते हैं, जो डॉक्टरों की टीम गई थी, जो डॉक्टर इलाज करने गए थे वो क्या कुछ कह रहे हैं। वैक्सीन तो लिए तो चार दिन पहले, वैक्सीन लिए तो चार पाँच दिन हो गए, चार पाँच दिन गैस होता है, गैस होता है। ये वैक्सीन का इफेक्ट माना जाए? हाँ, वैक्सीन का तो माना जाता है। सांस लेने में तकलीफ नहीं? सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, खांसी नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है, खाली माइल्ड बॉडी एक है बस। स्थिति सामान्य है कुल मिलाकर? हाँ, सामान्य। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डॉक्टरों की टीम लेकर तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां तेज प्रताप यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। देर रात कल तेजस्वी तेज प्रताप का हाल जानने पहुंचे, डॉक्टरों ने साफ तौर पर बताया कि तेज प्रताप ने हाल ही में कोरोना की वैक्सीन ली थी और वैक्सीन लेने के बाद तेज प्रताप यादव की तबीयत कल देर रात अचानक बिगड़ गई। इससे पूर्व तेज प्रताप ने रजत जयंती समारोह के दौरान लोगों को संबोधित भी किया था। आरजेडी के 25वें वर्षगांठ के मौके पर तेज प्रताप यादव काफ़ी तेवर में भी दिखे थे, लेकिन कल देर रात तेज प्रताप की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इधर चिंतित लालू प्रसाद यादव भी हैं, राबड़ी देवी भी हैं, साथ ही लालू परिवार के सभी लोग और तेज प्रताप यादव के समर्थक भी काफ़ी चिंतित है अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। ठीक, अभी कैसी तबीयत है सर? ठीक है, वैक्सीन का है, फीवर है सर, वैक्सीन के वजह। क्या मतलब अभी आप देखने आए थे तेजस्वी जी थे, तो मतलब स्थिति कैसी है तेज प्रताप की? तेज प्रताप ठीक, ठीक है, मतलब हुआ क्या था उनको? वो बॉडी है बदन में दर्द। अच्छा, और क्यों हुआ था? इस वजह क्या थी इसकी? वो इंजेक्शन दिया ना वैक्सीन का। तो अभी स्थिति ठीक है? हाँ ठीक है, दवा वी है। हाँ ठीक ठीक। आपका सर परिचय क्या हुआ? डॉक्टर एस के सिन्हा। तेज प्रताप यादव के जान पहचान वालों को? नहीं नहीं, तो अंदर जाएंगे अभी, तो तुरंत बताइए। अच्छा, आप जाइए। देखिए, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव की तबीयत जो बिगड़ी है, अब ये बात हो चली कि तेज प्रताप यादव की तबीयत ज्यादा खराब है, तभी नेताओं के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, तेजस्वी के भाई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपका पूरा नाम? आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव जी हैं, हम जिनसे हमने बात की। अब डॉक्टर साहब की गाड़ी है ये बात करते हैं। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? अरे धक्का धक्का नहीं, धक्का नहीं, धक्का नहीं भाई, गाड़ी रुक जाए। क्या हुआ है तो प्रताप जी को? वैक्सीन तो लिया तो चार दिन पहले, वैक्सीन लिए तो चार पाँच दिन हो गए। ये वैक्सीन का इफेक्ट माना जाए? अभी टेम्परेचर इनका कितना है? टेम्परेचर कितना है?
सांस लेने में कुछ तकलीफ वगैरह नहीं, सांस लेने में तकलीफ नहीं, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं, खांसी नहीं, कुछ नहीं, माइल्ड बॉडी है, स्थिति सामान्य है कुल मिलाकर। हाँ, क्या नाम हुआ अपना डॉक्टर? ये डॉक्टर एस के सिन्हा थे जो देखने आए थे।